अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये बाहर गाड़ी कवर जो टके हुए अंदर करो, उनको हटाइए फटाफट। तो गाड़ियाँ भी अच्छी लगा है, दुकान वाले से बोलो जो कर रहे हैं, अपने दुकान से नीचे जो भी सामान रखा है वो कर रहा है, हटा दीजिए इनको, अंदर करिए अन्यथा आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आप लोगों को समझाई दी जा रही है, कृपया अंदर सामान रखिए, बाहर नहीं होना सामान। जो भी डब्बा डब्बे पाइप रखे हैं आपके, आप पाइप अंदर रखिए दुकानों में, दुकानों में रखते हुए नीचे नहीं होना सामान, अंदर रखिए फटाफट। ये चद्दर वगैरह रखे हुए चद्दर अंदर करिए आप दुकानों के, आपको समझाई दी जा रही है ना, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। पंचायत के तौर पर आपको बोला जा रहा है, यही चक्कर समझाई अंदर रखे हुए बस कूलर वगैरह मोटर रखे हुए कृपया अंदर रखेंगे अब दोबारा रखें। अब लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। शहर के पीठा रोड पर या शामला रोड की बात की जाए तो वहाँ भी अब अतिक्रमण की कार्रवाई जो थी उसको लेकर मुहिम चलाई जा रही है। किस तरह की मुहिम है और क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, बहुत समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जितने भी देवास के रहवासी हैं या फिर यहाँ पर जो MG रोड पर भी जिन लोगों के निवास या प्रतिष्ठान हैं उन लोगों को पार्किंग से लेके और अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक को लेके बड़ी समस्याएँ आती हैं। तो अभी हम लोगों ने नगर निगम ने एक मुहिम प्रारंभ की है जिसमें हम सभी देवास के MG रोड मुख्य मार्ग पर जितने भी व्यापारी हैं या जिनके भी प्रतिष्ठान हैं उन लोगों से ये विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि उनके सामने जो है उनकी दुकानों के कोई के बोर्ड रखे हुए हैं, कोई के एंगल्स लगाकर किसी ने कपड़े टांग रखे हैं या फिर उनकी दुकानें छोड़कर लोग जो रोड पर आ गए हैं, कुछ दुकानदारों ने अपने सामने जो जगह है वो दूसरे किसी व्यापार के लिए किराए पर डेली वेजेस पे किराए पर दे रखी है, तो ये सब नहीं करना है। और जो MG रोड की जो एक सीमा है वहाँ पर उस हद तक ही उनकी जो सीमा है वहीं तक वो व्यापार करें, यही विनम्र अनुरोध करा है। और अभी कल ही नगर निगम की एक टीम गई थी जिन्होंने मार्किंग भी करी है रोड पर, और मेरा भी आपके माध्यम से समस्त व्यापारियों से यह विनम्र अनुरोध है कि वो खुद सेल्फ अवेयरनेस अपनी लेके आए, स्वयं जागरूक हों और लोगों को भी प्रेरित करें कि लोग अपने वाहन सही जगह पर पार्क करें। और हम इस प्लानिंग में भी हैं, आगे मेरी ट्रैफिक DSP और बाकी उन लोगों से भी बात हुई है पुलिस प्रशासन से कि हम 4-व्हीलर को तहसील चौराहे से लेके तो महेश टॉकी चौराहे तक हम 4-व्हीलर को प्रतिबंधित करेंगे, पर इससे पहले हम लोग यहाँ के रहवासी जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनके कार्ड बनाएंगे जो उनकी गाड़ी पर पास लगेंगे, इसमें अंदर बसेस भी अंदर जा पाएंगी, स्कूल बस अंदर जाएंगी, पानी की गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, 3-व्हीलर्स जो अनलोड के लिए लोड अनलोड के लिए रहती हैं 3-व्हीलर्स जाएंगी, इसी तरीके से जो वहाँ के रहवासी हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं उनको भी अनुमति रहेगी ताकि एक यातायात MG रोड का सुगम हो। और ये सब व्यापारियों के हित में भी है क्योंकि जब यहाँ पर ट्रैफिक की सुविधाएँ ट्रैफिक अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर ट्रैफिक की तकलीफें नहीं आएगी तो इनका व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ेगा। तो आपके माध्यम से मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि MG रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पूरे शहर वाले कि MG रोड पर 4-व्हीलर ना ले जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही शहरी क्षेत्र में 4-पहिया वाहन का इस्तेमाल करें, यही मेरा विनम्र अनुरोध है। ठीक है।